जयपुर, तो फिर यही रीजन था नंबर वन, आई हैड टू बी एट द बूट कैंप. मैं कल ही सुबह कल ही. टू रीजन आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर इज कि मेरा जयपुर, तो फिर यही रीजन था नंबर वन, आई हैड टू बी एट द बूट कैंप. मैं कल ही सुबह कल ही कल किसी भी मतलब कल के पूरे दिन में मैं कहीं भी निकल जाऊंगा. फ्लाइट ऑलरेडी बुक कर दिया मैंने, अभी अभी बुक करके ही लाइव आया हूँ, पता है लिटरली 10 मिनट पहले बुक करिए लाइव आने के. तो कल मैं निकल रहा हूँ, आई विल बी देयर. अपडेट दे देता हूँ बूट कैंप का. अभी फिलहाल आज का जो भी है, हमारे शेफ आ चुके हैं वहाँ पर, उन्होंने आज पूरी अपनी प्रोक्योरमेंट्स कर ली है. ये अपडेट ऐसा लग रहा है कि मैं डायनामो को दे रहा हूँ. अपना अपना वहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, वहाँ पर कंटेंट अपनी टीम के साथ, अपने हाइड्रा टीम के साथ है. तो मुझे घड़ी घड़ी डिस्टर्ब नहीं करना था, स्टिल एक ओवरऑल अपडेट देना था तक मैं पहुँचूंगा, है ना. नंबर टू रीजन आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर इज कि मेरा सेकेंड डोज नहीं हुआ था वैक्सीन का, बिकॉज जो दिल्ली के चक्कर है मेरा, आई कैन नॉट अफोर्ड कि मेरा तबीयत बिगड़ जाए बिकॉज ऑफ द डोज. क्योंकि जो दिल्ली के चक्कर में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हर हफ्ते एक चक्कर मार रहा हूँ दिल्ली का, सो दैट वहाँ पर कुछ काम गड़बड़ ना हो. अगर आप लोगों ने अपने घर पे कभी काम कराया होगा तो आपको मालूम होगा कि यू हैव टू बी देयर वाइल दे आर वर्किंग, लाइक 24/7 काम चल रहा है तो आपको रहना पड़ता है. आपकी आंखों के सामने जो काम होता है उसमें अलग उसका अलग आउटकम होता है, और जो फोटोज और अपडेट्स पे काम होता है उसका अलग आउटकम होता है. सो आई हैड टू गो दिल्ली. ये मेरे को मेरे पापा ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, मेरे को पता है घर से अलग रहना, ट्रैवल करना, काम संभालना, ये सब डिफरेंट डिफिकल्ट है, बट पापा ने बोला कि नहीं वहाँ जाना भी जरूरी है.